आज मजा आ गया वैसे। ये जय है ना तेरा एक्स, ये इस कबाड़े में क्या कर रहा है? जय तुम इस चेतना तुम इस कबाड़े में क्या कर रहे हो? रुको रुको मैं अभी आता हूँ। देखना लग ना जाए। अरे मुझे नहीं लगेगी। अरे हाँ हाँ क्यों लगेगी इसको, इसका रोज का काम है, ये पैदा इस कबाड़े में हुआ था। जय मुझे लगा था कि तू कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, कुछ बन ही जाएगा। अच्छा ही हुआ कि मैंने तुझे छोड़ दिया। और मीट माई न्यू बॉयफ्रेंड, तुमको पता है इसका कितना बड़ा बिजनेस है, कितना अमीर है ये, तुमको पता है कितना ज्यादा कमाता है ये। अच्छा ही हुआ मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, नहीं तो तुम्हारे साथ इस कबाड़े में बैठी रहती मैं। और तो और ये इतना अमीर है कि चेतना के साथ साथ हमारा भी खर्चा उठाता है। और तू तो मेरी ख्वाहिशें ही पूरी नहीं कर पाता था। तेरे को मैं इतना बोलती थी कि बाहर कुछ खाने चलते हैं, तो बोलता था पैसे नहीं है, वो ठेली से छोले भटूरे खिला देता हूँ। तेरे को मैं छोले भटूरे खाने वाली लगती हूँ क्या? इतना गरीब था तेरा एक्स? अरे हाँ मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई थी जो मैंने इसको हाँ कर दी थी। पढ़ाई में अच्छा था तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, और वेट कर करके ना मेरा बस दिमाग खराब हुआ और मेरा स्टैंडर्ड भी गिरता जा रहा था इसके साथ। पर नेक्स्ट तो बहुत रिच है। वैसे तेरे किसे सुने हैं मैंने इसके मुंह से, बहुत ही बकवास है। अरे देखो ये आज भी कूड़ा ही उठा रहा है यहाँ पे। चेतना मैं कूड़ा नहीं उठा रहा था। अरे कूड़ा नहीं कबाड़ा, उनसे तो थोड़े ऊपर ही होते हैं ना, पर मेरे को तो एक जैसे ही लगते हैं। गंदगी में ही पैदा होते हैं, गंदगी में ही पले बढ़ते हैं, और गंदगी में ही सड़ के मर जाते हैं। अरे तेरे को कितनी बार मैंने बोला था कि मैं ही मदद कर देती, कोई बिजनेस खोल ले, कोई काम कर ले, लेकिन नहीं, तुझ तो ये था कि मैं खुद से करूंगा और एक दिन कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगा। क्या बना? कबाड़ी वाला। वो भी इसमें प्रमोशन हो गया होगा, पहले गली गली बीनता था, अब मॉल के आगे बीन रहा है। अरे वाह प्रमोशन हो गया तेरा, कांग्रेचुलेशंस। पार्टी दे दे हमें, एक आधा समोसा ही खिला दे, उतना ही अफोर्ड कर सकता होगा तू। अरे कमाता, जितना एक कमाता होगा ना उतना तो मैं एक दिन में उड़ा देती हूँ। चेतना तुम अभी भी बिल्कुल बदतमीज हो। क्या बोला तू? तेरी हिम्मत कैसे मुझे बदतमीज बोलने की? अपनी ना औकात में रह, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े भी होने की। तू कबाड़ी वाला है और तेरे को पता नहीं कितनी अमीर हूँ, और मेरा बॉयफ्रेंड कितना अमीर है। ये देख आईफोन लेके घूमती हूँ मैं, आईफोन। तूने कभी जिंदगी में आईफोन देखा भी है? आईफोन छोड़, एंड्रॉयड फोन भी है तेरे पास? तू तो वो बटन वाला फोन चलाता होगा ना, नोकिया वाला। हाँ वही नोकिया वाला, सस्ता वो है कि वो भी नहीं है? नहीं है तो मुझे बता दे, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत रिच है और हम चैरिटी भी करते रहते हैं, तुझे एक गिफ्ट कर देंगे। चेतना मैं को कबाड़ी वाला नहीं, मैं बस ये रिंग ढूंढ रहा था वहाँ पे। ये रिंग, इस रिंग के लिए तो इस कूड़े कबाड़े में घुस गया? अरे दो कौड़ी की रिंग नहीं है ये, ऐसी तो मैं कभी पहनूं भी ना। ये देख कितनी एक्सपेंसिव रिंग्स पहनती हूँ, सारी रियल डायमंड है और गोल्ड है, समझ आ गई? और तू ये घटिया से रिंग के लिए ये कूड़े में घुस गया? अरे गिर गई थी तो गिर गई थी, ऐसी तो और ले लेंगे। ओ सॉरी सॉरी, ऐसी तो और मैं ले सकती हूँ, तेरी तो इतनी औकात है नहीं कि तू एक रिंग अफोर्ड कर सके। ये भी तेरे लिए बहुत महंगी पड़ी होगी, ये वो छोटी मोटी मार्केट में 20-30 की मिलती है ना। 20-30 की रिंग के लिए तू कूड़े कबाड़े में घुस गया, ठीक है तू कबाड़ी वाला नहीं होगा, पर इतना मैं बता सकती हूँ कि अभी भी तू कुछ खास काम कर नहीं रहा होगा, या तो भीख मांग रहा होगा या तो वो छोटे मोटे सफाई का काम कर रहा होगा, तभी तो 30 रुपए की रिंग भी तेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। अरे चेतना 30 रुपए की नहीं, मुझे तो ये 10 रुपए की नजर आ रही है। रिंग मिल गई? हाँ, रिंग मिल गई। जय ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। ये तेरी वाइफ है? मुझे लगा ही था कि तेरी शादी ना किसी गरीब भिखारन से ही होगी। अरे कैसे कपड़े पहन रखे हैं, आज के टाइम में कौन पहनता है ये सूट? अरे रुको ना, इसको इसकी औकात तो दिखाने दो, ये देखो कितने मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ मैं, मेरा बॉयफ्रेंड कभी नहीं रोकता मुझे ऐसे कपड़े पहनने को। क्या है तुम्हें पता भी है वो कौन है? अरे कौन है, होगी कहीं काम करने वाली? जिस कंपनी के साथ हमारा टाई अप होने वाला है ना, वो उसकी मालकिन है, आरपी फाउंडेशन की मालकिन। पागल हो गया, तुम्हें कुछ गलत लग रहा होगा, उसके हालात देखो। अरे चेतना उन्हें साथी में रहना पसंद है इसीलिए वो ऐसी लग रही है, बाकी वो बहुत ही अमीर है, हमसे कई ज्यादा टर्नओवर है उनकी कंपनी का। क्या ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, ये मेरी बहू की देख रही, काम चालू हो गया। अगर तेरे चक्कर में मेरा टाई अप टूटा ना, मुझे अभी छोड़ दूंगा, और जो जो चीजें दी है ना तुझे वो सब छीन लूंगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बात करती हूँ।
मैम मुझे पता नहीं था कि आप इनकी कंपनी की मालकिन है, नहीं तो मैं कभी ऐसे बात नहीं करती। जे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी वाइफ इतनी बड़ी बिजनेस वुमन है। तुमने बताने का मौका कहाँ दिया चेतना, बस शुरू हो गई हमेशा की तरह। ना तुमने पहले जानने की कोशिश करी कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, ना आज। तुम्हें तो बस पैसा चाहिए, दौलत चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ना कि पैसे से। सादगी में सुंदरता है, ना कि छोटे कपड़ों में। किसने बोला कि वो पहनने के बाद कूल लगता है इंसान, या उसको पहनने के बाद अमीर दिखता है? अगर किसी ने सूट और साड़ी पहना हुआ तो वो अमीर नहीं लगेगा। और अमीर लगे या ना लगे, इंसान अमीर दिल से होता है, जो कि तुम कभी नहीं थी। ये मेरी एक्स है। ओ, तो वो है जिन्होंने तुम्हें ऐसे हालात में छोड़ दिया था। आपके बारे में भी बहुत कुछ बताऊं मैंने अपनी वाइफ को, उसको सब कुछ पता है मेरे पास के बारे में, क्योंकि रिश्ते सच की बुनियाद से ही चलते हैं। जय, आई एम रियली सॉरी, वो मुझे पता नहीं था। देखो, इन्होंने ना बड़ी मेहनत करी इस प्रोजेक्ट में, तो किसी तरीके से इनका टाई अप मत तोड़ना। मेरी गलती है, तुम मुझे सुना लो, मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ, प्लीज। वो टाई अप ऑलरेडी टूट चुका है ना? समझो कैंसिल हो गया। अगर मेरी बेइज्जती करी होती तो मैं सह लेती। तुमने बेइज्जती मेरे पति की करी है, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और जो भी कुछ है मेरे से पहले सब इनका है। अरे मैडम, ये तो पागल है, इसकी बातों पे क्यों ध्यान दे रहे हो? इसे क्या ही पता होगा, ये तो मेरे पैसों पे कपड़े वगैरह सब पहनती है, और फोन भी इसको मैंने दिलाया। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसने मेरे पैसे से ना लियो। तो काम भी आप कर लेना एक दूसरे के पैसों से। और हाँ चेतना, तुम्हें एक बात और बता दूँ, वो जो कंपनी है ना, वो हम दोनों की मेहनत की कमाई है, एक दूसरे के खून पसीने की। ना कि वो सिर्फ मेरा है और ना इनका, हम दोनों का है। चलो जय। चेतना, वन मोर थिंग, ये ऐसी है इसलिए इसके साथ हो। मेरी माँ का भी हद से ज़्यादा ख्याल रखती है। इसके अंदर कोई घमंड नहीं है, जो कि तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। चलो रूबी। जय, रूबी मैम।